हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ स्नैक्स की रेसिपी। और आप इसको कभी भी खा सकते हैं, इसको आप चाय के साथ खा सकते हैं, शाम के स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट चिवड़ा बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कैसे बनता है चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नायलॉन पोहा लिया है। ये नायलॉन पोहा आता है जिसको कि हम ड्राई रोस्ट कर सकते हैं और ये एकदम पतला होता है। आपको दिखाती हूँ मैं कितना पतला है इसका। हम ये ड्राई रोस्ट करते हैं तो ये अच्छा बनता है, इसका पोहा नहीं बनता है, एकदम ये पतला होता है। और यहाँ पे मैंने मूंगफली लिया है और उसके बाद ये मैंने मखाने कुछ लिए हैं। तो इन सबको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ होता है, बहुत ही कम ऑयल लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं जो मूंगफली है उसको पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये जो मूंगफली होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है और इसको अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसके अंदर। तो इसको भी हम अभी फ्राई करके और इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने जो मखाने थे उसको भी फ्राई करके निकाल लिया था। अब मैं उसी तेल में इसको मैं डाल दूँगी, जो चिवड़ा है इसको डाल दूँगी। और इसको हमें ऐसे ही धीमे एकदम लो फ्लेम पे हमें भुनना है। इसको भुनने में हमें कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ पे मुझे कोई भी मसाले का कुछ यूज़ नहीं करना है, ओनली साल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वाद के अनुसार साल्ट ऐड कर दिया है, जितना भी आपका टेस्ट हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसको इसी तरह से हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि एकदम ये क्रंची नहीं हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह कैसा हो जाएगा, तो फिर आपको अपना गैस को बंद करना है। तो मैं, आप देख सकते हैं इसको मैं हिलाती डुलाती जा रही हूँ क्योंकि बहुत पतला होता है ये, तो फिर जलने का रहता है नीचे से। तो यह भी यहाँ पे क्या है, मैंने मूंगफली भी ऐड कर दिया है। और ये यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाती हूँ तोड़ के। तो देखिए अभी नहीं हुआ है, अगर नहीं होगा तो इस टाइप से थोड़ा सा देर में टूटेगा। अगर अच्छे से क्रंची हो जाएगा तो फिर एक बार आप इस तरह से मस लेंगे तो एकदम अच्छा सा चूरा हो जाएगा। तो मीन्स आपका चूरा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। और आप जो मोटा चूरा होता है जो इसका हम पोहा बनाते हैं उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उस वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि ये अच्छा बनता है। वो थोड़ा सा मोटा होता है तो इतना क्रंची नहीं बन पाता है, उसके लिए पोहा के लिए वो ठीक होता है। पर अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं एक बार और हिला डुला के आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो ये देखिए, ये वो वाली स्टेज आ गई है जहाँ पे कि हमारा जो चूड़ा है वो एकदम अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है और एकदम कलर इस तरह का हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छा सा भुन गया है। और इसको आप ठंडा करके, और अगर आप अच्छे से एक डिब्बे में रखेंगे तो 10 से 15 दिन तक आराम से आप इसको खा सकते हैं, और जब भी आपका मन हो तो खा सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा गर्म है तो यहाँ पे देखिए, अब एकदम इस तरह का अगर मसल जाता है मीन्स कि आपका चूड़ा परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए मैं अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने सर्व किया है इसको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया ये रोस्टेड चूड़ा तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रोस्टेड चूड़ा। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आगे हम और अच्छी रेसिपी लाएँ।
मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।